नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ड्रोन खरीदने के लिए मिल रही है सब्सिडी। प्राथमिकी शिक्षक नियोजन के तहत कल मिलेगा नियुक्ति पत्र। बिहार के अब इन दो नए जिलों को मिलेगा खादी मॉल की सौगात। गुरमीत चौधरी ने बताई अपनी स्ट्रगल स्टोरी। प्रशांत किशोर ने जताई सीएम नीतीश को राष्ट्रपति बनाने की इच्छा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में नए बिल्डर बॉय लॉज को मिली मंजूरी। बिहार के शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई बिहार बिल्डिंग बॉय लॉज को मंजूरी मिल गई है। इसमें बहुमंजिली इमारतों के निर्माण को लेकर स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दे दी गई है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की माने तो नई बॉय लॉज से खासतौर पर ऊंची इमारतों के निर्माण कार्य को बढ़ावा मिलेगा और कम क्षेत्रफल में शहर की बढ़ती आबादी की आवास की जरूरतों को पूरा करने में भी इससे मदद मिलेगी। बहुमंजिला भवन के निर्माण के क्रम में निर्माण परिसर में खुले जगह में वृद्धि लाने, ग्रीन एरिया की बेहतर सुविधाओं के दृष्टिकोण से 19 मीटर से ऊपर की ऊंचाई के भवन के लिए ग्राउंड कवरेज अधिकतम 40 रखा गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सीओ पर की कार्रवाई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बीते दिन भ्रष्टाचार और लापरवाही आदि आरोपों का सामना कर रहे अंचल अधिकारी के मामले में कड़ी कार्रवाई देखने को मिली। इस दौरान एक सीओ को निलंबित करने का काम भी किया गया है। वहीं एक की निलंबन की अवधि को बढ़ाने का काम भी कर दिया गया। इसके साथ ही कुछ अफसरों के स्पष्टीकरण को मंजूर कर राहत देने का काम किया गया है। बगैर पर्याप्त कारण के निजी स्वार्थ के चलते दाखिल खारिज अस्वीकृत करने और परिमार्जन से प्राप्त आवेदनों का समय सीमा के भीतर निष्पादन नहीं करने के आरोप में मुंगेर सदर अंचल के सीओ शशिकांत कुमार को निलंबित कर दिया गया। बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार। बिहार के कई जिलों में ठंड से लोगों को राहत तो मिलती दिखाई दे रही है, हालांकि अभी भी लोगों को दिन ढलने के साथ ही ठंड का हल्का एहसास हो ही रहा है। इसी बीच ठंड की विदाई के साथ ही बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 3 दिन बाद 24 फरवरी से पूर्वी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व हिस्से में मध्यम बारिश होने की संभावना है। 25 फरवरी को भी कई जिलों में गरज के साथ बूंदाबांदी होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसके बाद फिर से मौसम साफ होगा। न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस सीतामढ़ी का देखने को मिला। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने निकाली रिक्तियां। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने वरिष्ठ निजी सचिव के कुल मिलाकर 34 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए पात्रता मानदंड की बात करें तो इसमें उम्मीदवारों को केंद्र या राज्य सरकार के तहत अधिकारी होना चाहिए और 3 साल के अनुभव के साथ ही नियमित आधार पर समान पद धारण करना चाहिए। आशुलिपि का ज्ञान भी आवश्यक है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 8 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.itat.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक नियोजन के तहत कल मिलेगा नियुक्ति पत्र। सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार प्राथमिक शिक्षक नियोजन के तहत कल से पटना समेत विभिन्न जिलों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का काम शुरू होने वाला है। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा जिनके सर्टिफिकेट संदिग्ध पाए गए हैं। इनमें ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भी ज्यादा है जिनके मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट में स्पेलिंग में त्रुटि पाई गई है। मुजफ्फरपुर और मधुबनी समेत कई जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जिनके मैट्रिक या इंटर के सर्टिफिकेट में स्पेलिंग में त्रुटि पाई गई है। मुजफ्फरपुर और मधुबनी समेत कई जिलों में बड़ी संख्या में इन्हें अंकित किया गया है और साथ ही साथ इन लोगों की नियोजन इकाई की तरफ से भी इनके बारे में जानकारी साझा कर दी गई है। वहीं कुछ ऐसी नियोजन इकाइयां भी हैं जहां नगर परिषद से नगर निगम बनाया गया है या फिर नगर निकाय में किसी तरह का परिवर्तन हुआ है, वहां भी फिलहाल शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल सकेगा। ड्रोन खरीदने के लिए मिल रही है सब्सिडी। अब खेती में ड्रोन के उपयोग को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में वैज्ञानिक तरीके से खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार की योजना के अनुसार आने वाले समय में ड्रोन से फसलों पर रासायनिक का छिड़काव करने के लिए किसानों को ड्रोन खरीद पर 40% से 100% तक का अनुदान दे रही है। ड्रोन के माध्यम से कम समय में बेहतर छिड़काव हो जाएगा, इससे समय और श्रम की बचत होगी। इसको लेकर किसानों के बीच भी राहत देखने को मिल रही है। इस संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ वैज्ञानिक अशोक कुमार ने बताया है कि ड्रोन से विभिन्न तरह के रासायनिक का छिड़काव फसल पर कम समय में अधिक भूमि पर कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि 10 लीटर क्षमता वाले ड्रोन से एक एकड़ फसल पर मात्र 5 मिनट में छिड़काव हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि निबंधित कृषक उत्पादक कंपनी का या निबंधन किसानों के समूह को कृषि कार्य हेतु ड्रोन खरीद पर सरकार 75% अनुदान दे रही है। कृषि यंत्र बैंक के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है। बिहार के अब इन दो नए जिलों को मिलेगा खादी मॉल की सौगात। बिहार में खादी के विकास को लेकर के सरकार लगातार
काम कर रही है। बीते कुछ समय से बिहार में खादी के उद्योग का विस्तार करने के लिए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी अब तक कई कदम उठा चुके हैं। इसी कड़ी में अब आगे भी लोगों को आसानी से खादी उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव कोशिश करने जा रही है, जिसके तहत ही पटना में खादी मॉल की सफलता के बाद सरकार ने पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में 16 करोड़ 11 लाख की लागत से खादी मॉल खोलने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डीसी सिंह ने सोमवार को उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मंत्री डीसी सिंह ने कहा है कि खादी मॉल की स्वीकृति से पूर्णिया ही नहीं बल्कि सीमांचल के साथ पूरे प्रदेश के लोगों में खुशी देखी जा रही है। प्रशांत किशोर ने जताई सीएम नीतीश को राष्ट्रपति बनाने की इच्छा। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को अगला राष्ट्रपति बनाने पर चर्चा हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने सीएम नीतीश को राष्ट्रपति बनाने की इच्छा जताई है। चूंकि देश के 16वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को ही खत्म हो जाएगा, ऐसे में ही अब नीतीश कुमार के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। इसको लेकर पीके ने न सिर्फ नीतीश कुमार के समक्ष प्रस्ताव रखा है बल्कि देश के कई नेताओं से उन्होंने नीतीश को राष्ट्रपति बनाने के लिए समर्थन भी मांगना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने अनौपचारिक बातचीत और बैठकें शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि इसकी पहल की है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने। राव ने हाल ही के दिनों में देश के एक दर्जन विपक्षी नेताओं से संपर्क किया है। राव की तरफ से देश भर के नेताओं से की जा रही मुलाकात और बातचीत के पीछे प्रशांत किशोर की रणनीति बताई गई है। समाज सुधार अभियान में आज भागलपुर में मुख्यमंत्री की जनसभा। आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाज सुधार अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। इसको लेकर ही आज वो भागलपुर पहुंचे। हालांकि उनके आगमन से पहले ही उनकी भागलपुर में सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी। वहीं आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश जीविका दीदी से रूबरू भी हुए। भागलपुर के अलावा बांका जिले की जीविका दीदी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेती दिखाई दी। इस दौरान सीएम नीतीश के लिए जीविका दीदियों ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। राज्य के कई मंत्री और अधिकारी भी मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में जीविका और किलकारी द्वारा स्टॉल लगाया गया था, साथ ही किलकारी के बच्चों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत भी किया गया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जीविका दीदियों को तालाब देने का काम किया है, जहां पर अब वो मछली पालन का काम करेंगी। मानसून से पहले करा ले आपदा प्रबंधन का काम। मानसून से पहले ही आपदा प्रबंधन के काम को करने को लेकर आदेश जारी हुआ है। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने इस बाबत सरकार के विभिन्न विभागों की तरफ से किए जा रहे काम की समीक्षा की है। स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक में उन्होंने विभागों को समय पर सभी काम करने का निर्देश दिया है, जिसके साथ ही बिहार में सभी तरह के आपदा का प्रभाव कम हो सके। मानसून अवधि से पहले सभी विभागों को आपदा प्रबंधन से सभी काम समय से पहले पूरा करने को कहा गया है। ज्ञात हो ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी। इस बैठक में ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30 की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों की तरफ से अपने अपने विभागों की तरफ से किए जा रहे काम के बारे में बताने की बात कही थी और इस दौरान सारी जानकारी साझा की गई। बिहार एमएलसी चुनाव में चिराग फिर चलेंगे एकला चलो की राह पर। बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख तो जारी नहीं की गई। इसी कड़ी में बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर चिराग ने अब फिर से एकला चलो का राग अलापा है, जिसके तहत ही राजनीतिक तौर पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे LJPR अध्यक्ष चिराग पासवान भी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर सभी 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि इससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पशुपति पारस ने पीएम मोदी को बताया भगवान। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए हैं, जिसके तहत ही उन्होंने पीएम मोदी की तुलना भगवान से कर दी है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जब तक जीवित हूं उनके ही साथ रहूंगा। पीएम मोदी नेहरू इंदिरा गांधी सहित सभी प्रधानमंत्री से काफी आगे हैं। साल 2024 और 2029 लोकसभा चुनाव तक उनके सामने कोई भी नहीं टिकने वाला है। पूरी दुनिया में पीएम मोदी जैसा कोई नहीं है। विश्वभर में उनकी तारीफ हो रही है। जिस तरह पीएम ने कोरोना संकट को नियंत्रित किया, 1.5 अरब कोरोना वैक्सीन दिया गया है, इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। मैं पीएम मोदी की पूजा करता हूं और लोगों को भी उनकी पूजा करनी ही चाहिए, क्योंकि भाग्य में बड़ा कर्म है। युवराज सिंह ने विराट कोहली को लिखी इमोशनल चिट्ठी। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने पूर्व कप्तान और अपने साथी खिलाड़ी विराट कोहली के लिए एक खास चिट्ठी लिखी है। युवी ने इस चिट्ठी के साथ विराट के लिए खास गिफ्ट भी भेजा। युवी ने इस चिट्ठी में लिखा कि तू हमेशा मेरे लिए चीकू ही रहेगा और दुनिया के लिए किंग कोहली। युवराज सिंह ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा कि विराट, मैंने आपको क्रिकेटर और एक इंसान के तौर पर ग्रो होते हुए देखा है। एक यंग लड़का जो नेट्स पर दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, वो अब खुद नई जनरेशन के लिए लेजेंड बन गया है। फील्ड पर तुम्हारा पैशन और अनुशासन और इस खेल के प्रति तुम्हारा समर्पण देश के हर युवा को बैट उठाकर ब्लू जर्सी में खेलने के लिए इंस्पायर करता है। गुरमीत चौधरी ने बताई अपनी स्ट्रगल स्टोरी। गुरमीत टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। आज वो अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास मौके पर जानेंगे कि उन्होंने इंडस्ट्री में आने के लिए कितने पापड़ बेले थे। इसी को लेकर न्यूज एजेंसी IANS को
दिए गए इंटरव्यू में एक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि ये बात बताने में मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा कि मैंने वॉचमैन की नौकरी की है, लेकिन इससे उन कई लोगों को प्रेरणा मिल सकती है जो मुंबई में अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता, अगर तुरंत सफलता नहीं मिलती है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। देश भर में कोरोना के मामलों में जारी है गिरावट, बिहारियों को भी लगातार मिल रही है राहत। भारत में गत एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमण के 13,405 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,28,51,929 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार 49 दिन के बाद देश में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2 लाख से कम रह गई है। आज के आंकड़ों के अनुसार गत 24 घंटे में महामारी से 235 मरीजों की जान चली गई, जिससे कुल जान गंवाने वालों की संख्या 5,12,344 तक पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक ये लगातार 16वां दिन है जब संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या 1 लाख से कम रही है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 34 मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 559 पर पहुंच गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रवीण कुमार, गौतम कुमार, उमेश कुमार, उमाशंकर, निशा कुमारी, रंजीत मिश्रा, अनूप कुमार, अजीत कुमार, दिनेश कुमार, शंकर मुखिया, मनीष कुमार, सुशील कुमार, सुदय कुमार सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे नए यूट्यूब चैनल GOVPVT को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, गुरमीत चौधरी के जन्मदिन के मौके पर आप हमें ये बताएं कि आपके अनुसार उनका सबसे बेहतरीन काम आपको कौन सा लगा है। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।